बलिया के लाल ने कर दिया कमाल। भोजपुरी फिल्मों के मशहूर गीतकार सच्चिदानंद पांडे कवच को मिला लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024। बलिया का नाम हुआ रोशन। भोजपुरी फिल्मों के मशहूर गीतकार की श्रेणी में आने वाले बलिया यूपी के शिवपुरा निवासी सच्चिदानंद पांडे कवच को उत्कृष्ट गीतों के लिए माया नगरी मुंबई में दिनांक 4 मई 2024 को जुहू के मेयर हॉल में कृष्णा चौहान फाउंडेशन के द्वारा लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य रूप से फिल्म जगत के नामी गिरामी व्यक्तित्व के धनी लोगों में विख्यात प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बोकाड़िया, निर्माता निर्देशक एक्टर धीरज कुमार, सिंगर ऋतु पाठक, बीएन तिवारी, दीपक सावंत, मशहूर संगीतकार दिलीप सेन, जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले इत्यादि मौजूद थे। बलिया यूपी के ग्राम सुखपुरा निवासी लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से नवाजे गए सच्चिदानंद पांडे कवच ने हमारे संवाददाता को मुंबई से जानकारी दी कि मैं सबसे पहले 1995 में मुंबई फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर बनकर एल्बमों के लिए गीत लिखना शुरू किया था और फिर 2006 में फिल्म बकलोल दूल्हा के लिए पहली बार गीत लिखा, जिसके प्रोड्यूसर अरविंद श्रीवास्तव और डायरेक्टर उमर खान थे। उन्होंने हमें बताया कि मैं अपने बलिया के प्रतिभाशाली कलाकारों को मुंबई बॉलीवुड टॉलीवुड से जोड़ने का काम करूंगा। आप इस शानदार क्षण को अपने अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री है। जोरदार तालियां एवरीवन प्लीज। हमारे मंच पर इतने विशिष्ट अतिथि हैं, तो मैं चाहूंगी कि आज के इस खास प्रोग्राम जी हाँ जो बहुत मायने रखता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कि वो एटलीस्ट कुछ शब्द कहें, तो माइक देना चाहूंगी। रितु जी रितु जी आप लगता है ऑडियंस में इतना खो गए कि आपने मेरा इनविटेशन नहीं सुना, सो मैं सबसे पहले रितु जी को ही माइक दूंगी। रितु जी प्लीज आप दो शब्द कहें प्रोग्राम के बारे में, देन पास ऑन द माइक प्लीज। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ सारे अवॉर्डीज को। दादा साहब फाल्के 2024 का यहाँ आयोजन किया गया है, कृष्णा चौहान जी का आज उनका जन्मदिवस है, तो उनको मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता रानी आपको बहुत बहुत स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और ऐसे ही आप कलाकारों का सम्मान करते रहे कृष्णा जी, एंड थैंक यू सो मच। मैं भी इस अवार्ड का एक पार्ट ऑफ मैं इस अवार्ड का हिस्सा हूँ, तो थैंक यू सो मच ऑलवेज मुझे रिमेम्बर करने के लिए, और यू आर वंडरफुल, इनके लिए बहुत जोरदार था। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।